नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मगध टीवी में। मैं हूं आपके साथ अंकिता। इस वक्त की अहम खबरों के। गया जिला के मोहनपुर प्रखंड अंतर्गत ग्राम दोहार में एक मामला प्रकाश में आया है, जहां चंद्रशेखर पासवान पिता रामप्रीत पासवान एवं मुन्नू कुमार पर जानलेवा हमला किया गया है। उन्होंने बताया कि रास्ते में कई बार हमें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मामला जमीनी विवाद बताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हमारे जमीन को अतिक्रमण करने की प्रयास की जा रही है और पहले भी मारपीट की गई थी, जिसका हमने आवेदन थाने में कई बार दिया है, परंतु कोई और कार्रवाई उन पर नहीं हुई है। आवेदन देने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। आपको बताते चले कि पहले गांव के रास्ते में पासवान को रोककर बालेश्वर पासवान, सिकंदर पासवान, गरीबन पासवान, सुधीर पासवान पर आरोप लगाया है कि जान से मारने की धमकी दे चुके थे और अब जानलेवा हमला कर रहे हैं, जिन पे हमारे गाड़ी को तोड़ फोड़ भी किया गया है। इसकी प्रशासन से गुहार लगाया है कि हमें न्याय दे और ऐसे अपराधियों पर कठिन से कठिन कार्रवाई करें। सुधीर पासवान कहाँ के रहने वाले हैं? ये ग्राम दोहार थाना मोहनपुर के निवासी हैं। ये हमारे गोतिया में पढ़ते हैं सर। क्या बोलते हैं ये लोग? ये बोलते हैं कि हमारे पास कोई कागज नहीं है उस जमीन का, लेकिन फिर भी हम अपने लाठी के बदौलत हम तुमसे ले लेंगे। क्या इस घटना को लेकर के आपने अधिकारी को? मैंने थाना में कंटिन्यू सर आवेदन दे रहे हैं। 20 तारीख से अभी तक 3 आवेदन दे चुके हैं सर। क्या आश्वासन मिला वहाँ से? वहाँ से बोले हम उनको यही दिए थे कि आज जैसे नापी है, तो एक दिन पहले मैंने उनको सूचना करता था कि सर हमने नापी करवा रहे हैं, हमको वो मारने का धमकी दे रहा है। जब 21 तारीख को नापी था सर, तो मैंने 20 तारीख को उनको दिया था आवेदन 20 तारीख को कि हमको सर मारने का धमकी दे रहा है। और फिर हम जब 21 तारीख को गया से चले, तो ये हमें कुलाही से पहले एक टाड़ पड़ता है, वहाँ पर टेक करके हमको गोली से मारने का भी धमकी दिया। उसके मेरे पास रिकॉर्डिंग प्रमाण है। बालेश्वर पासवान है, ये कुलाही का है। हाँ, अब सर हम इस फैसला को ग्राम कचहरी से मेरे पास प्रमाण है कि ग्राम कचहरी मुझे फैसला करके दे दिया है। इस पर मेरा जमीन का जो रिकॉर्ड है, कागज है, उसको भी मानने के लिए इनकार करता है। कहता है हम जब करेंगे तो गांव में फैसला करेंगे, और गांव में मारपीट कर देता है सर बुला करके। तो ये आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि सर इस जमीन का जो विवाद है, वो प्रशासनिक तौर पर इस पर समझौता हो और अगले पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। थाने में जो FIR दर्ज की गई, उसकी क्या आकांक्षा, संख्या कितना है? क्या सर? थाना का केस संख्या? FIR अभी तक नहीं हुआ है सर। हाँ, मैंने कई आवेदन दिया है, मेरे पास सारा आवेदन का प्रति उपलब्ध है। आपने आवेदन किन किन तारीखों को वहाँ पर दिया था? मैंने 20 तारीख को दिया है अभी सर। 20 क्या? 20/8/2023 को दिया है, और मैंने फिर 4/9/2023 को दिया है। उससे पहले भी मैं कई आवेदन दिया हूँ सर, डेट याद नहीं जब है। जब अपने थाना में आवेदन देने गया तो थाना के द्वारा क्या बोला गया? थाना के द्वारा बोला गया कि जाइए आप नापी करवाइए, हम उस पर निगरानी करेंगे। लेकिन हम लोग का वहाँ पे मारपीट हुआ, कोई उसमें नहीं हुआ। जब आप लोग कितने लोग जख्मी हुए? हम लोग सर 3 लोग जख्मी हैं, जिसमें दो घटना के बाद आवेदन देने गए तो उनका पुलिस से। हाँ, 3 लोग जख्मी हैं, 3 में दो लोग हम लोग का ज़्यादा सर ग्रेजुएट है, सर फूटा हुआ है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि सर इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। हम सर उनसे लड़ने के लिए नहीं गए थे, हम सारा मामला था 5 तारीख का नापी। ये बालेश्वर पासवान कहीं किसी राजनीतिक पार्टी से तो नहीं? नहीं, ये एक सर दलाल है, वो कोई आदमी उसको पैसा देता है, उसी तरफ से वो रहता है, उसी तरफ से वो काम करता है। जमीन किसके नाम पे है? जमीन हमारे दादा के नाम पे। क्या नाम है उनका? दादा का नाम है चंद्रिका पासवान, और मेरे पिताजी का नाम है श्री रामप्रीत पासवान। उनके नाम पर रसीद कटा हुआ है। ये जो जमीन का जो खाता संख्या प्लॉट नंबर बता सकते हैं आप? हाँ, खाता नंबर 93 है, प्लॉट नंबर 1064 है सर। क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर पासवान। पूरा पता अपना? मेरा नाम चंद्रशेखर पासवान, ग्राम दोहवार, पोस्ट गोपालकेड़ा, थाना मोहनपुर, जिला गया के निवासी हैं सर। बताइए। हाँ सर, मुझे कहना ये बालेश्वर पासवान ग्राम कुलाही का, बालेश्वर पासवान ग्राम कुलाही का जो रहने वाला है, वो सर हमेशा मेरे पीछे पड़ा हुआ है, कई बार हमको अटैक भी किया है। मेरे पास उसका प्रमाण रिकॉर्डिंग भी है, मुझे गोली से मारने का धमकी भी दिया है, अज्ञात लोग के साथ हमेशा घूमते रहता है।
और हमें कभी भी माँ जान से मार सकता है। कभी रास्ते में छेक हाँ रास्ते में जो हमें टेका था उसका मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग मैंने रखा हूँ, उसमें डायरेक्ट उन्होंने बोल रहा है कि इसको गोली मार दो। समझे सर, उस पर कड़ी नज़र सर प्रशासन के द्वारा बनाए सर रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी हत्या कर सकता है। हम अपने थाना से यही अपील करना चाहते हैं कि हमारे सुरक्षा में रखें, क्योंकि वह हमेशा हथियार लेके घूमता है रास्ते में और कभी भी हत्या कर सकता है। हमको प्रशासनिक सहायता चाहिए और थाना से मतलब सहयोग चाहिए। आपके साथ किन किन लोगों को चोटें आई, कैसे किस वजह से आप यहाँ पर मगर मेट्रो में आज आप भर्ती हैं? जी मेरी भी वादी का मामला था, हम लोग घर जा रहे थे यहाँ से होकर के यहाँ से, और ना रास्ते में वो फर्स्ट में सब घर पड़ता है वहाँ पे बताया, तो जैसे घर उसका एंट्री किए उसे ऊपर से पक्खा लुटा मारने के लिए रेड पूरा फेंकने लगा सर, और जाते ही बाइक पे ऊपर से मार के मारने लगा ईटा पक्खा। कौन फेंकने लगा? वो जो अगला आदमी है सिकंदर हो गया, सुधीर हो गया, गरीबन हो गया। क्यों करने लगा ऐसा, आखिर मामला क्या है? मामला प्रोग्राम पहले से उसका प्रोग्राम बनाया हुआ था मारने के लिए। आपका क्या नाम है? मन्नू कुमार। क्या भाई ना भाई?